2024 का साल अफगानिस्तान के लिए बदलावों का साल साबित हो रहा है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है जो दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं, हाईवे से लेकर रेल लाइनों तक और स्मार्ट सिटी से लेकर जल आपूर्ति और बिजली के नए नेटवर्क्स तक। अफगानिस्तान अब एक नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, वो अफगानिस्तान जो कभी सिर्फ संघर्षों से पहचाना जाता था, अब दुनिया की सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाओं में से एक का हिस्सा बन रहा है। अफगानिस्तान की धरती पर अब वो कुछ हो रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तो क्या आप तैयार हैं उन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए जो अफगानिस्तान को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहे हैं? ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ देश का चेहरा नहीं बदल रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई उम्मीद भी जगा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। दोस्तों, अफगानिस्तान सरकार ने सलमा डैम, जो 42 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, उसे लेकर 285 किलोमीटर लंबी कोसा नहर तक कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और ये सभी प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं अफगानिस्तान के इस मेगा प्रोजेक्ट्स पर। नंबर 10, टोरी डैम। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान में बनाए जा रहे टोरी डैम की। अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों से सूखे की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, जिससे पूरे देश में पानी और खाने की किल्लत हो गई थी। इतना ही नहीं, हालत इतने गंभीर थी कि 2022 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी थी कि अगले 25 सालों में अफगानिस्तान में भयंकर अकाल पड़ सकता है। किसानों को अपना फ्यूचर अंधकार में नजर आने लगा था, वहीं देश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर भी संकट के बादल लहराने लगे थे। इसी समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2022 में जाबुल प्रांत में टोरी डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इस डैम पर 1.15 मिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, और ये 3 मिलियन घन मीटर पानी स्टोर करेगा। इससे 600 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और 1000 किलोवाट बिजली भी बनाई जाएगी। नंबर 9, हैरात काबुल हाईवे। 29 अप्रैल 2024 को अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हैरात को राजधानी काबुल से जोड़ने वाली एक बड़ी और महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण की शुरुआत हुई। इस सड़क को बनाने में 450 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इसे पूरा करने में 5 साल लगेंगे। ये सड़क 480 किलोमीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी होगी। इस सड़क के बनने से हैरात और काबुल के बीच सफर करना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। इससे सिर्फ लोगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि सामान की ढुलाई भी तेजी से हो सकेगी, जिससे व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा राजधानी काबुल में जो ट्रैफिक की समस्या अक्सर रहती है, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। लोगों को सफर के दौरान बेहतर और आरामदायक रास्ता मिलेगा, और सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे देश की इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। सड़क के बनने से न सिर्फ शहरों का आपस में बेहतर कनेक्शन होगा, बल्कि दूर दराज के गांवों को भी फायदा होगा। तो हुआ ना ये अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद सौदा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफगानिस्तान का अगला इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है। किसी भी देश के विकास में रेलवे डेवलपमेंट का बड़ा रोल होता है, और इसी बात को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नंबर 8, ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट का मकसद सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को जोड़ना है। 75 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन के जरिए अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के बीच 700 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट 3 से 5 साल में पूरा होगा, और इसकी लागत 5 बिलियन डॉलर है। रेलवे के जरिए सामान लाना ले जाना सबसे सस्ता और तेज तरीका है, इसीलिए इसे अफगानिस्तान के ट्रेड के लिए अहम माना जा रहा है। इसके बनने से अफगानिस्तान की साउथ एशिया पर पहुंच काफी आसान हो जाएगी। तो अब अफगानिस्तान अपने देश में बने सामान को साउथ एशिया तक आसानी से भेज पाएगा। नंबर 7, अफगानिस्तान रिंग रोड। अफगानिस्तान की रिंग रोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ना है। ये सड़क करीब 3,200 किलोमीटर लंबी होगी, और इसके जरिए अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों काबुल, कंधार, हैरात और मजार शरीफ को आपस में जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब अफगानिस्तान में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन अफगानिस्तान के दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह ये प्रोजेक्ट भी अफगानिस्तान के चल रही जंग की भेंट चढ़ गया। कई बार काम रुका, और जो सड़क बनी भी वो भी लापरवाही और रखरखाव की कमी की वजह से खराब हो गई। अब तालिबान सरकार इस रिंग रोड को फिर से बनाने की योजना पर काम कर रही है,
उनका मानना है कि सड़क के बनने से देश के अंदर ट्रेड को फायदा होगा। लोग एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से जा सकेंगे। यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा रिंग रोड के बनने से देश में एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनेगा, जिससे मेडिकल फैसिलिटीज और इमरजेंसी हेल्प एड भी दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकेगी। लोग तेजी से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर पाएंगे और जरूरी सामान की आपूर्ति भी समय पर हो सकेगी। हालांकि प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना और इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ है। ऊपर से कई इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हालत बहुत खराब है। इसके बावजूद तालिबान सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती है और इसके लिए वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर की तलाश भी कर रही है। इस रिंग रोड के पूरा होने से अफगानिस्तान के कई हिस्सों को आपस में जोड़ने का सपना एक बार फिर हकीकत में बदल सकता है। नंबर 6, काबुल न्यू सिटी। यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। 2008 में अफगानिस्तान सरकार ने करीब $15 बिलियन यानी लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया था, ताकि काबुल शहर को नए सिरे से बनाया जा सके। यह योजना 2023 में फिर से शुरू हुई और अब इसमें 30 लाख लोगों के लिए घर और दूसरी फैसिलिटीज को भी तैयार किया जा रहा है। सोचिए एक ऐसा शहर जहां हर किसी को आधुनिक घर, बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पार्क और बिजली पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहर बनाना है जो अफगानिस्तान के लोगों के सपनों का शहर हो। काबुल न्यू सिटी को एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया जा रहा है। यहाँ पर नए किस्म के ग्रीन बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं जो काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और बिजली की खपत भी कम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान की हेरिटेज साइट और न्यू टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम भी देखने को मिलेगा। यहाँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखते हुए नए शॉपिंग मॉल्स, बिजनेस सेंटर और रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा काबुल न्यू सिटी में अफगानिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम और कंट्री क्लब भी होंगे, जिससे लोगों के लिए मनोरंजन और खेलकूद की सुविधाएं भी मौजूद होंगी। नंबर 5, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा विस्तार। मई 2023 में अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा मौका आया जब इसे $62 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट ने अफगानिस्तान को नए व्यापार और विकास के रास्ते दिखा दिए, क्योंकि अब ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका से सीधा जुड़ जाएगा। CPEC को, जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन के शिनजियांग प्रांत तक एक बड़ी सड़क और रेल बनाई लाइन बना रही है। अब अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल करने का मतलब है कि ये देश भी इन बड़े ट्रेड रूट से जुड़ेगा। इससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अफगानी व्यापारी अब आसानी से अपने सामान को दूसरे देशों में बेच पाएंगे। नंबर 4, कोश तापा नहर। अफगानिस्तान सरकार ने उत्तरी प्रांत में अमूदरिया नदी पर कोश तापा नहर का निर्माण शुरू किया है। यह 285 किलोमीटर लंबी नहर 5,50,000 हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगी और देश में पानी की कमी को भी दूर करेगी। नंबर 3, TAPI गैस पाइपलाइन। TAPI गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच 1,800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाएगा। इससे हर साल 33 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस इन देशों के बीच भेजी जाएगी। नंबर 2, सलमा डैम। हैरोद प्रांत में स्थित सलमा डैम 42 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है और 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी करेगा। इसे अफगानिस्तान भारत मित्रता डैम भी कहा जाता है, क्योंकि भारत ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। नंबर 1, CF हैरोद रेलवे। अफगानिस्तान में एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जो इस देश को चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों से रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ेगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट की मदद से अफगानिस्तान के लोग और ट्रेड का सामान आसानी से पड़ोसी देशों तक पहुंचा सकेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए बहुत खास है। इसके जरिए अफगानिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहां के व्यापारी अपनी माल को चीन और ईरान जैसे बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचा सकेंगे। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी और देश में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान के लोग भी बेहतर यात्रा सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। पहले जहां उन्हें एक देश से दूसरे देश जाने में बहुत समय और पैसा खर्च होता था, अब ये सफर सस्ता और कम समय में पूरा हो सकेगा। रेलवे नेटवर्क बनने से अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे वहां विकास की गति तेज हो सकेगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? इन प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।